घर की बेटियों को देवियों का दर्जा देने वाला देश भारत, घर की बहुओं को लक्ष्मी का दर्जा देने वाला देश भारत, और भारत ही वो देश है जहां महिलाओं के साथ यौन शोषण के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत ही वह देश है जहां बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, और भारत ही वह देश है जहां अजन्मी बेटियों की हत्या की जा रही है बार बार लगातार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन, और आज ट्रिपल पर हम आपको दिखाएंगे भारत का वो चेहरा जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ट्रिपल की स्पेशल रिपोर्ट में आज देखिए उत्तराखंड में चल रहा है बेटियां मिटाओ आंदोलन। भारत सरकार जहां एक ओर देश की बेटियों को पढ़ाने की बात कर रही है, आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश में अब भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। जहां एक तरफ बेटियां बड़े बड़े कारनामे कर रही है, चांद तक पहुंच बना रही है, वहीं हिंदुस्तान के एक हिस्से में बेटियों को अब तक बोझ समझा जा रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, कह रही है उत्तराखंड से आई एक स्वास्थ्य रिपोर्ट। इस स्वास्थ्य रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उत्तराखंड में पोल खोल दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। उत्तरकाशी जिले के 132 गांवों में जन्म के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 महीनों से इन क्षेत्रों में किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में 132 गांवों में 216 बच्चे पैदा हुए हैं, और हैरानी वाली बात तो यह है कि इसमें एक भी लड़की शामिल नहीं। इस घटना ने जिला प्रशासन को सख्ते में डाल दिया, तो वहीं केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी संदेह खड़ा कर दिया है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि सिर्फ लड़कों का जन्म क्या सहयोग है? यह किसी भी तरह कोई संयोग नहीं हो सकता, बल्कि यह आंकड़ा जो उत्तरकाशी जिले के 132 गांवों की पोल खोल रहा है, और उन स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों की भी जो इस तरह के अपराध को करने में सहायक बने हुए हैं। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की हमने पहचान की है जहां बालिकाओं की संख्या शून्य या फिर बहुत कम है। हम इन क्षेत्रों की निगरानी भी कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, और उन कारण को जानने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन भी किया जाएगा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक आपातकालीन बैठक भी की और इन क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और डेटा पर एक रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। इस बैठक में गंगोत्री विधायक गोपाल रावत भी उपस्थित हुए। एएनआई से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना ठाकुर ने आरोप लगाया कि शून्य बालिका जन्म ने स्पष्ट रूप से कन्या भ्रूण हत्या की व्यापकता का संकेत दे दिया है। इन गांवों में 3 महीने तक एक भी लड़की पैदा नहीं हुई है। यह सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिले में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। भ्रूण हत्या यानी कोख में बेटी को मार डालना किसी भी तरह संयोग है ही नहीं। 3 माह में एक भी बेटी का जन्म ना होना और 132 गांवों में इस तरह के कुकृत्य को आसानी से अंजाम दिया जाना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे देश के चेहरे पर पिछड़ी सोच का थप्पड़ है। इस मामले को गंभीरता से लेना बेहद आवश्यक है। इसे समाप्त करने के लिए कड़े कदम भी उठाने होंगे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर कई सवाल खड़े होते हैं। यह आंकड़े खुद कन्या भ्रूण हत्या की हकीकत बयान करती है, जिसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए प्रशासन को उठाने ही होंगे कुछ सख्त कदम।